हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ सुचिस्मिता। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रस। आज हम बनाने वाले हैं गेहूँ के पराठे, प्लेन पराठे, ट्रायंगल पराठे। गेहूँ के ट्रायंगल पराठे आज हम बनाने वाले हैं, जिससे कि बच्चों को ये शेप वाइज एटलीस्ट बच्चे खा लें और कोई कंप्लेन ना करे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने गेहूँ लिया है, मैंने ये छान के गेहूँ लिया है स्ट्रेनर से छान के, जिससे कि उसमें कोई भी कंकर या फिर पत्थर ना रहे या फिर कोई भी अगर हार्ड चीज़ रहे वो इसमें ना रहे, तो हमने स्ट्रेन कर लिया है इसको। मैंने यहाँ पे लिया है नमक, तेल थोड़ा सा और पानी डो को अच्छा सॉफ्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालते हो तो अच्छा ये होता है। थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देंगे, अभी इसको एक मिक्स कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा 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 करके इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मैदा हमेशा अच्छा नहीं होता है। वैसे तो पराठा ज़्यादातर मैदे से ही बनता है, पर मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी हम इसमें थोड़ा 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 करके ऐड कर लेंगे पानी। हमें एट अ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो ये हमारा बिगड़ सकता है, तो हमें बहुत थोड़ा 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 करके इसमें डालना है। और अच्छा जब ये सॉफ्ट डो बन जाए तब इसको छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बैचेस बैचेस में हमें इसमें डालना है। 3 से 4 मिनट में ये आप मसलते रहिए इसको ऐसे, तो अच्छा ये सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है। ये हमारा सॉफ्ट डो बनके तैयार है। इसे हमें रेस्ट करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है या फिर तेल लगाने की, तेल लगा के रख देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको अभी बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं अब हम इसको। ये हमारा डो बनके तैयार है। इसमें से आपको कितने बनाने हैं वो तो आप ऐसे इसको रोल करके हाथ से ही फिर आप इससे छोटे 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 निकाल सकते हैं, जितने आपको बनाने हैं उतने। मैं छोटा छोटा करके निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसको ट्रायंगल शेप कैसे देना है। इसको हम ऐसे ये कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ का आटा ले लिया है, जिससे कि ये बनाने में हमें आसानी हो। मैं इसमें तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें आटा ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा हेल्दी रहे। हम अभी इसको जैसे कि मैंने बोला इसमें ट्रायंगुलर शेप देना है, पर कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे पलट के बिगिनर्स को नहीं होता है, तो बहुत ही एक आसान सा इसमें हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि है ऐसे हम काट लेंगे, या फिर अगर आपके पास कटर ऐसा कुकी कटर या फिर ऐसे शेप के हो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए अच्छा ये ट्रायंगुलर शेप हो गया है। इसको आप छोटा बड़ा जैसा आपका मन हो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। आपको अगर और थोड़ा सा बढ़ाना है थोड़ा सा आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। एक हमारा बनके तैयार है, बाकी हम इसको फिर से ऐड कर लेंगे और एक के बाद एक ऐसे बना लेंगे। इसको हम ऐसा गोल बनाने के बाद ऐसे इसको काट लेंगे, ऐसे इसको ट्रायंगुलर शेप देके इसको हमें काट लेना है और हम ऐसे इसको काट लेंगे। बन गया हमारा ट्रायंगुलर शेप पराठा। इसको हम रख देते हैं, इसको हम फिर से इसमें मिला के ऐसे एक के बाद एक बना लेते हैं। पैन हमने गरम होने के लिए दे दिया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेते हैं और पूरे कढ़ाई में फैला लेते हैं।
और हम पराठा है, तेल तो थोड़ा यूज़ करना ही पड़ता है। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम एक 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 करके ये जो ट्राइंगुलर शेप हमारे पराठे है वो हम हेल्दी वाले गेहूं के पराठे हैं वो हम डाल देंगे इसमें। गरम हो गया है, हम ऐसे इसको छोड़ेंगे नहीं, देखिए ऐसे इसको फ्लिप फ्लैप कर देंगे जिससे कि एक ही बार में तेल पूरा इसमें दोनों भी साइड में लग जाए। आपको ये थोड़ा सा फ्लिप फ्लैप कर लेना है जिससे कि एक ही बार में ये तेल लग पाए पूरे जगह में। अगर पैन बर्न आपका थोड़ा सा बड़ा है आप एट ए टाइम 3-4 कर सकते हैं इसे। देखिए अच्छे से ये तेल में कोट हो गया है, हम अभी सेकंड साइड भी इसका और अच्छे से कोट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया पराठा है थोड़ा सा तेल उसमें डालना ही पड़ता है। अभी इसको फुल स्टीम में मैंने रखा है। पराठा थोड़ा सा मोटा होता है कंपेयर टू चपाती या रोटी, तो इसको थोड़ा देर ज़्यादा ही इसको करना पड़ता है। देखिए अच्छा इसमें आ रहा है, अभी क्रिस्पी बन रहा है। मैं थोड़ा सा स्टीम यहाँ पे कम कर दूँगी जिससे कि जो अंदर का जगह है वो भी अच्छे से हो जाए, नहीं तो फिर ऊपर का तो क्रिस्पी बन जाएगा, नीचे का जो मिडिल का जो जगह रहता है वो कच्चा रह जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्टीम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और इसको 1 से 2 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। देखिए अच्छा इसमें कलर आ गया है, क्रिस्पी एकदम लाइट ब्राउन कलर आ गया है इसमें। इसको हम टर्न कर देते हैं, देखिए ये साइड में भी कलर बिल्कुल आ गया है और बाकी के भी हम ऐसे ही बना लेते हैं एकदम क्रिस्पी वाले पराठे बन गए हैं। बाकी के बैचेस में भी मैं कर लेती हूँ। सेकंड बैच मेरा चल रहा है, ये हमें थोड़ा सा टाइम इसमें जाता है क्योंकि दो तीन करके ही हम इसको बना सकते हैं, तो उतना टाइम आपको स्पेयर करना होगा इसके लिए। ये हमारा ट्राइंगुलर शेप पराठा गेहूं का हेल्दी वाला पराठा बनके तैयार है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा और हमें बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें बहुत खुशी होगी। बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ गया है और क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। आप इसको गर्मा गर्म खाइए, दम आलू के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, जो आपके घर में बना हो सब्जी उसके साथ खाइए। हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। दिस इज सुचिस्मिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।